बड़ा आनंद आया, दिन भर भगवान जी के दर्शन किए और दिन भर आराम से रोज इतना अच्छा लग रहा है कि दिन भर घूमो फिरो आनंद से भगवान के चरणों में जाओ, शाम को बना बना खाना मिला अच्छा अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। ढाबे में इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है ना, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है भैया। ये सही अच्छा सब। अब हम लोग ऐसे कैसे नेक्स्ट ट्रिप प्लान करेंगे? अब हम ऐसे ही करेंगे, बस दिन भर हम घूम के आएंगे, शाम को हम ऐसे होटल में ढाबे में जहाँ अच्छी अच्छी जगह होती है इंजॉय करेंगे, बस खाएंगे पीएंगे और घूमेंगे। थोड़ा सा बाय 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 बाय, हम भी जाते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। दुर्गा मैया की जय। राधे राधे दोस्तों, मेरा चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, सभी को प्रणाम आशीर्वाद। अभी शाम के 4 बजे हैं, हम लोग माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। शाम को सिद्धि माँ का मंदिर है, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसमें हम दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत भीड़ है बाहर से, अभी बाहर से जब गए थे तो हम थोड़ी टाइम लगा था, हम लोगों को 4 बजे निकले थे तो थोड़ा हम अंदर जाने तक फिर अंधेरा हो गया था, उसके बाद लाइटें जली तो इतना सुंदर दृश्य, इतना अच्छा भव्य दृश्य तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। इतना सुंदर मंत्रमुग्ध हो गए हम लोग, बहुत ही सुंदर नज़ारा था ये। इतनी भीड़ थी कि सभी लोग आए थे दर्शन करने के लिए। सभी आप लोगों को नवमी का दिन था, आप लोगों को नवमी दशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और टाइम नहीं हुआ आज डाल ली मैं इसको, कल हो गई थी दशमी। और बहुत आप लोगों को मंदिर के दर्शन करते करते ये इतनी भीड़ लग गई थी हम लोगों को, ये हरसिद्धि माँ का मंदिर है, मैं तो फोटो ले रही थी, मना कर रहे थे सभी लोग। माँ का बहुत कोशिश किया था, सभी ले रहे थे, जिसका हाथ ऊंचा था तो ले लिया था माँ का फोटो, लेकिन मैं ले नहीं पाई, कोई देख लेगा तो थोड़ा सा एक झलक तो दिख रहा है माँ का। बहुत ही ये छत भी इतना सुंदर बना रखा है, थोड़ा फोटो ले लिया मैंने। आप लोग देखो कितना सुंदर भव्य दृश्य देखा है, इतना सुंदर नज़ारा माता का, इतना सजा रखा है दरबार, खुश हो गए हम। ये माता का थोड़ा सा दर्शन दिखा आप लोगों को, बहुत बहुत आशीर्वाद देखने वालों को। मेरा चैनल बंद कर लो मोबाइल, हो गया, बहुत ही सुंदर नज़ारा। चलो शाम के समय की आरती शुरू हो गई है, आप लोगों को दर्शन करो माता रानी का, बहुत सुंदर से दर्शन हो गए अंदर तो, हम लोग दर्शन करके आ रहे। इसमें दिया जलाएंगे, बच्चे लोग दिया लगा रहे हैं, दो बने हैं अगल बगल खंभे। इसका ये इतना अच्छा दृश्य है, इसको देखने के लिए हम 7 बजे इसका दीप जलाए थे। इसमें बताते हैं कि आज इस साल आज के दिन आप उसी दिन जो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो अगले साल उसको दीप जलाने का मौका मिलेगा। एक साल का इंतज़ार रहता है। ये दो बड़े बड़े से खंभे बना रखे हैं और बच्चे लोग गए पहले, पूरे इसमें दीप लगाया, पूरी रुई लगाई, एक एक करके 4 बच्चे थे और ड्रेस में गए थे। इतना अच्छा नज़ारा लगा था, मैंने तो इतनी अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसे नहीं देखा। फिर ठीक 7 बजे जिसका नंबर था उनने नीचे दिए जलाए और उसके बाद में फिर ये बच्चे लोग चढ़े। इतनी फुर्ती से आप इन लोगों ने दिए जलाए,
ऊपर से नीचे को आ गए, पूरे इतना जगमगा गया पूरा मंदिर का माहौल ही, इतना खुशनुमा हो गया कि जयकारा लगने लगे भक्तों माता के दरबार में। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हमारे किस्मत में था, माता ने बुलाया होगा तभी हमने आज इतना अच्छा दृश्य देखा। आप लोग भी देख लो, दर्शन कर लो माता के, ये चीज़ शायद हो किसी ने नहीं देखी हो, इतनी सुंदर से जगमगा उठा दे पूरा, इतना सुंदर नज़ारा, मेरे तो आंसू आ गए थे माता के दर्शन करके। अभी हम दर्शन करके बाहर निकल गए हैं, हर सिद्धि माँ का मंदिर, माता रानी सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दे आप लोगों का। जब गए थे 4 बजे अंदर गए थे तो उजाला था, अभी रात में पूरा जगमगाहट है, बाहर का नज़ारा है ये। अभी यहाँ भी बारिश हो रही है तो थोड़ी आवाज आ रही है गाड़ियों की, सॉरी उसके लिए। एक इतना सुंदर नज़ारा माता का दरबार, माता ने बुलाया हो गया, सौभाग्य था मेरा जो आके मैंने इतनी अच्छी चीज़ें देखी। आप लोग भी देख लो, अब जा रहे हैं हम लोग घर को, तो घर में इसी के बगल में काली माता का भी पंडाल लगा था, इतना सुंदर पंडाल लगा था, जयकारे माता के खूब इतने सुंदर भजन हो रहे थे, इतना अच्छा दृश्य लगा था कि इतना, इधर तो जगह जगह पंडाल लगे हैं, जगह जगह इतनी सुंदर प्रतिमाएं। माता की नवमी का दिन था तो आज का दिन तो बन गया, इतना सुंदर रोड में ही नज़ारा देखने के लिए आज का, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में, इतना सुंदर आज खुश हो गया दिल। आप लोग भी देखो, बहुत सुंदर नज़ारा, आप लोगों को कैसा लगा बताना। माता रानी सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दे, बाय बाय करती हूँ, आगे का कल देखना।